नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर तो आज का जो वीडियो है दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और इसके फॉर्मूला के बारे में हम सीखेंगे इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने औसत एवरेज का टॉपिक कम्पलीट किया है तो अगर उसके सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर हम समझते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं अनुपात की कि अनुपात रेशियो क्या होता है तो रेशियो की दोस्तों डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है जब दो सजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार से प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरे से कितनी गुनी है या एक राशि दूसरे का कौन सा भाग है इस संबंध को अनुपात रेशियो कहते हैं तो अनुपात का दोस्तों चिन्ह इस प्रकार से होता है दो बिंदु के रूप में दोस्तों इसे दर्शाया जाता है इस प्रकार से ये इसका चिन्ह है जैसे यहाँ पर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जैसे आठ मीटर है नो मीटर है इसे अनुपात में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे आठ अनुपात नो ठीक है तो इसे कहते हैं रेशियो अनुपात जहां पर दोस्तों अनुपात का जो पहला पद होता है जैसे यहाँ पर पहला पद आठ है इसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद है उसे कहते हैं अंतिम पद ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आगे है समानुपात जिसे कहते हैं प्रोपोर्शन तो समानुपात क्या होता है कि जब दो अनुपात समान हो जैसे कोई अनुपात हमें दिए गए हैं और वो समान है तो अनुपातों की यह समानता समानुपाती कहलाती है ठीक है और इसे दोस्तों अनुपात के डबल चिन्ह से दर्शाया जाता है जैसे अनुपात और फिर से अनुपात ये होता है दोस्तों समानुपात का चिन्ह ठीक है जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जैसे ए और बी का अनुपात है सी और डी का अनुपात है तो जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी इसे हमें समानुपात में दर्शाना है तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी और समानुपात यहाँ पर दोस्तों हम दर्शाएंगे सी अनुपात डी ठीक है तो इसे समानुपात में इस प्रकार से दर्शाया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों राशियों में देखिए चार राशियां में दी गई जिस है जिसमें देखिए प्रथम पद है यहाँ पर ये अंतिम पद है प्रथम पद को पूर्व पद इसे अंतिम पद या बाह्य पद कहा जाता है और बीच की जो राशियां हैं इन्हें मध्य पद कहा जाता है तो ये होता है दोस्तों समानुपात अब इसके बाद में आता है दोस्तों प्रतिलोमानुपात इसके बाद में मिश्र अनुपात वर्गानुपात घनानुपात तो चलिए उन सभी की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं तो इसके बाद में है दोस्तों प्रतिलोमानुपात यानी कि इनवर्स रेशियो तो इनवर्स रेशियो क्या होता है यदि दो अनुपात इस प्रकार के हैं कि पहले अनुपात का पूर्व पद दूसरे अनुपात का उत्तर पद हो और दूसरे का पूर्व पद पहले का उत्तर पद हो तो वे एक दूसरे के प्रति या व्युत कहलाते हैं जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि ए अनुपात बी कोई अनुपात है तो यहाँ पर देखिए इसका व्युत या हम कहें प्रतिलोमानुपाति अनुपात क्या होगा इसका होगा बी अनुपात ए ठीक है तो यहां पर देखिए पहले का जो उत्तर पद है वो दूसरे का पूर्व पद है और जो पहले का पूर्व पद है वो दूसरे का उत्तर पद है ठीक है ये होता है दोस्तों इनवर्स रेशियो इसके बाद में है मिश्र अनुपात जिसे कहते हैं कंपाउंड रेशियो तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों को परस्पर गुणा करके नया पूर्व पद और उत्तर पदों को परस्पर गुणा करके नया उत्तर पद बनाया जाए तो जो नया अनुपात बनेगा यानी कि पूर्व पद और उत्तर पदों से जो बना है वह जो मूल अनुपात हमें दिए गए हैं उनका मिश्र अनुपात कहलाता है कंपाउंड रेशियो कहलाता है जैसे यहाँ पर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है अनुपात अनुपात इसके बाद में दिया गया, C, D, इसके में दिया गया e, F, है सी डी हमें ई एफ ठीक तो ये दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात दिए गए हैं और इनका जब मिश्र अनुपात बनाया जाएगा तो क्या किया जाएगा यहाँ पर जो इनके पूर्व पद है जैसे देखिए पहले अनुपात का ए है दूसरे का सी है तीसरे का ई है ठीक है और इनके उत्तर पद है बी डी और एफ तो इनका आपस में गुणा के एक नया अनुपात बनाया जाएगा जिसे कहते हैं मिश्र अनुपात और वो कैसे बनेगा देखिए ए का गुणा सी से सी का गुणा तो ये क्या हो जाएगा ए ठीक e, है और इसके बटे में आएगा देखिए बी डी एफ तो बी डी एफ तो ये होगा इसका मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो तो इसे दोस्तों मिश्र अनुपात कहते हैं इसके बाद में है वर्गानुपात जिसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो तो वर्गानुपात दोस्तों क्या होता है कि यदि किसी अनुपात का वर्ग करके नया अनुपात बनाया जाता है तो नया अनुपात मूल अनुपात का वर्गानुपात कहलाता है जैसे यहां पर दोस्तों मूल अनुपात है ए बटे बी ठीक है या हम कहें ए अनुपात बी अब इसका वर्ग कर दिया जाता है तो यहां पर क्या होगा ए का स्क्र और बी का स्क्योर ठीक है तो यहां पर इनका वर्ग करके नया अनुपात बनाया गया तो यहां पर यह हो जाएगा इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात तो यहां पर देखिए जो वर्गानुपात में पूर्व पद व उत्तर पद थे उनके मूल अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद के वर्ग किए गए हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम समझते हैं घनानुपात, अनुपात वर्ग मूलानुपात और घनानुपात को तो यहाँ पर दोस्तों आगे है घन अनुपात जिसे कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि यदि किसी अनुपात का घन करके नया अनुपात बनाया जाता है तो नया अनुपात मूल अनुपात का घन अनुपात कहलाता है कहने का अर्थ दोस्तों यह है कि हमें कोई अनुपात जैसे दिया जाता है उसका घन करके यानी कि उसका क्यूब किया जाता है वो नया अनुपात बनाया जाता है तो पहले वाले अनुपात का वह घनानुपात कहलाता है जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ए बटे बी कोई अनुपात हमें दिया गया है अब इसका क्यूब कर दिया जाता है तो ए क्यूब बटे बी क्यूब होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा घनानुपात तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कहा जाता है कि इसका घनानुपात ज्ञात कीजिए तो हमें वहां पर क्यूब कर देना है और वर्गानुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो वर्ग कर देंगे ठीक है यानी कि इस कर देंगे इसके बाद में आता है दोस्तों वर्ग मूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो तो ये दोस्तों क्या होता है कि यदि किसी दिए हुए अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद के वर्ग लेकर नया अनुपात बनाया जाता है तो यह अनुपात मूल अनुपात का वर्ग मूलानुपात कहलाता है जैसे यहाँ पर दोस्तों कोई अनुपात है ए बटे बी जैसे कोई अनुपात है तो इसके वर्गमूल यानी कि इनका इसक्यू रूट ज्ञात कर लिया जाता है जैसे इसक्यू रूट ज्ञात करेंगे तो इसको रूट में ए रखेंगे इसके रूट में बी रखेंगे तो ये इनका हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्ग मूल तो जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें कोई संख्याएं दी गई है जैसे यहां पर है उनपचास अनुपात इक्यासी अनुपात सौ ठीक है तो यहाँ पर हमें इनका वर्ग मूल अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए सभी का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे तो उनपचास अनुपात स्कूर रूट में आएगा इक्यासी अनुपात स्कूर रूट में आएगा सो तो यहाँ पर देखिये उन का हो जाएगा सात रूट इक्यासी का हो जाएगा नौ और सो का हो जाएगा दस तो सात अनुपात नौ अनुपात दस इनका क्या होगा वर्ग मूलानुपात इसी प्रकार से आगे है दोस्तों घन मूलानुपात जिसे कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो दोस्तों क्या होता है जैसे कोई अनुपात हमें दिए गए हैं और उनका घन मूल ज्ञात कर लिया जाता है तो वह मूल अनुपात का घन मूल अनुपात होता है ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी तो यहाँ पर दोस्तों इनका क्या किया जाएगा क्यूब रूट निकाल लिया जाएगा जैसे यहाँ पर ए का क्यूब रूट है अनुपात में यहाँ पर बी का क्यूब रूट निकाल लिया गया अनुपात में यहां पर सी का क्यूब रूट निकाल लिया गया ठीक है तो ये इनका हो जाएगा दोस्तों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जैसे इसके लिए भी दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हमें दिया गया एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर है आठ अनुपात एक अनुपात यहां पर है दो इनका दोस्तों हमें घन मूलानुपात ज्ञात करना है तो यहां पर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आठ का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे अनुपात एक सौ पच्चीस का भी हम यहाँ पर क्यूब रूट निकाल लेंगे अनुपात यहां पर भी दोस्तों देखिए दो सौ सोलह का क्यूब रूट निकाल लेंगे तो इनका देखिये मान क्या आएगा आठ का क्यूब रूट होता है दोस्तों दो अनुपात एक सौ पच्चीस का होता है पांच अनुपात दो सौ सोलह का होता है छ तो यहाँ पर दोस्तों दो अनुपात पांच अनुपात छह इनका क्या हो जाएगा घन मूल अनुपात यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो यह है दोस्तों कुछ डेफिनेशन अनुपात और समानुपात के बारे में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में तो आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके फॉर्मूला समझेंगे और अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन रोल करने की ट्रिक भी हम समझेंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम